इस वीडियो में हम खाने के एक ऐसे समूह के बारे में बात करेंगे जो गर्भवती माँ और उसके होने वाले बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है कि यदि उपलब्ध हो तो थाली का आधा हिस्सा इसी समूह से भरा होना चाहिए। यह समूह है फल और सब्जियों का और इन्हें रक्षात्मक यानी रक्षा करने वाले खाने भी माना जाता है। ये खाने विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं और माँ और उसके बच्चे की अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे खांसी, सर्दी, जुखाम, दस्त और टीबी से रक्षा करते हैं। फल और सब्जी खाने से हमारा पाचन अच्छा रहता है और हमारी आँखों की रोशनी भी तेज़ रहती है। इसके अलावा ये हमें दिल की बीमारी और कैंसर जैसे रोग से भी बचाते हैं। गर्भ के दौरान माँ के सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि माँ संतुलित प्रकार से भोजन करे, जिसमें सब्जी, फल, प्रोटीन युक्त खाने जैसे दाल, मांस, अंडे, बीन्स और ऊर्जा देने वाले खाने जैसे रोटी और चावल पर्याप्त मात्रा में हों। सामान्य सब्जियों के उदाहरण हैं पालक, मेथी, सीताफल, भिंडी, लौकी, करेला, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मटर, मूली, खीरा, टमाटर, बैंगन और हरी फलियां। अच्छी सेहत के लिए घर पर पकाई हुई सब्जियां बाज़ार में बनी सब्जियों से ज़्यादा लाभदायक होती हैं। कई सब्जियां जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, ककड़ी और चुकंदर को कच्चा ही खाया जा सकता है, उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं होती। मौसम के ताज़े फल गुणों से भरपूर होते हैं और उन्हें आहार का हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए केला, अमरूद, सेब, संतरा, आड़ू, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, आम, अंगूर, जामुन और पपीता हमें अक्सर खाने चाहिए। ताज़े फल डब्बे में बंद फलों के मुकाबले ज़्यादा सस्ते, अच्छे और लाभकारी होते हैं। उनमें विटामिन के गुण अधिक और शक्कर कम होती है। बच्चों के लिए भी मिठाई के बदले ताज़े मीठे फल खाना बेहतर है। अगर संभव हो तो फल और सब्जी हर रोज़ खाने चाहिए। कोशिश करके दिन भर में 5 हिस्से सब्जी और फल के ज़रूर खाएं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फल और सब्जियों से बीमारी की लड़ने की शक्ति तब मिलती है जब आप मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। हर विटामिन और खनिज पदार्थ के अपने खास गुण होते हैं जो माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। जैसे लाल गाजर में विटामिन ए, नींबू और संतरे में विटामिन सी और पालक और हरे पत्तेदार सब्जियों में लौह यानी आयरन होता है। यूँ समझिए कि आपकी थाली एक इंद्रधनुष है जिसमें समाये रंग बिरंगे फल और सब्जियाँ। कोशिश करके मौसम के अनुसार आसानी से उपलब्ध ताज़ा फल और सब्जियां ही खाएं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और इनके अनेक फ़ायदे होते हैं। हर माँ अपने बच्चे को स्वस्थ, बलवान और बढ़ता हुआ देखकर खुश होना चाहती है। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार के आहार में तरह तरह के फल और सब्जी हर रोज़ शामिल करें और अपने बच्चों को बीमारियों से बचाएँ।